Red Indies. Shuffle, shuffle. Red Indies. Shuffle. Shuffle chat. हाय गाइस, मैं हूँ श्रद्धा पंडित। मेरा गाना धोखेबाज प्रीमियर हो रहा है रेड इंडीज शफल में। तो सबसे पहले धोखेबाज की बात ही करते हैं कि इस सॉन्ग की स्टोरी क्या है। वेल, इट इज डेडिकेटेड टू अ कपल ऑफ माय फ्रेंड्स। स्कूल से कॉलेज से मेरी कुछ गर्लफ्रेंड्स हैं और यू नो हम काफी बात करते थे उस वक्त, यू नो कि ऐसा होता है, हाउ गाइज आर चीटिंग एंड ये वो। तो एक थॉट था जो दिमाग में था मेरे बहुत अरसों से, obviously we've passed out college, it's been quite a few years, but you know those thoughts were still very fresh in my head and I just thought कि कुछ इस मुद्दे पे कुछ लिखा जाना चाहिए जो थोड़ा सा cool हो, funky हो और trap में और पंजाबी में। I'm not a Punjabi but I wanted a tinge of Punjabi in it, so I just thought of the term धोखेबाज and at the same time you know I was like चलो कुछ experiences जो मैंने मेरे पीयर ग्रुप ने कभी फील किया होगा लाइफ में, वो एक लेट्स यू नो पुट इट आउट। सो इट वाज फन, आई जस्ट रोट इट प्योरली आउट ऑफ फन। मतलब ये कहा जा सकता है कि वो जो दिल में चुभी हुई एक बात थी, जो मतलब धोखा कभी मिला था तो वो मन में जो भड़ास थी, कोसना था, वो सब आपने गाने के थ्रू निकाला है। या एग्जैक्टली, और इट्स अ वेरी बेसिक, मतलब बहुत बेसिक सा एंगर है, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत हार्मफुल या कुछ बहुत ही सेटबैक वाला यू नो कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। बट वी हैव ऑलवेज सीन, हम स्कूल कॉलेज में, या स्कूल तो इज वेरी यंग बट कॉलेज डेज एंड यू नो जस्ट आउट कॉलेज यू हैव एक्सपीरियंस, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड रिलेशनशिप्स और यू नो दोस काइंड ऑफ स्टेजेस इन योर रिलेशनशिप वेयर यू फील कि योर गाइज चीटिंग, कुछ तो हो रहा है यू नो, और उस उम्र में ज्यादा फील होता है कि कुछ हो रहा है, समथिंग इज अप, यू नो। सो नाउ इट्स बिकम लाइक इट्स ओके, लाइक अभी इतना फर्क नहीं पड़ता, बट उस वक्त जो फील हुआ था उस थॉट को मैंने यू नो बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू एम एट द यंग क्राउड ऑफ टुडेज जनरेशन, यू नो द जनरेशन एक्स सो टू स्पीक, सो आई थॉट चलो इनके लिए गाना डेडिकेट करते हैं। अच्छा, सॉन्ग की बात करें तो जिसका टाइटल है धोखेबाज, मतलब एकदम डायरेक्ट आपने हमला कर दिया यार, धोखेबाज, मतलब ऐसा एलिगेशन। लाइक आई सेड, स्कूल कॉलेज में हमने देखा है ज्यादा, अभी तो खैर व्हेन यू ग्रो अप एंड ऑल इतने मुद्दे होते हैं बट बहुत सीरियस लेवल पे होते हैं, बट ये जो मैंने गाना लिखा है दिस इज ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू यू नो एक्चुअली राइट व्हाट अ college going girl feels, or you know a girl who has just entered a fresh new relationship feels, you know itna hardcore bhi nahi hai ki you know because ladki bolti I've caught you, I've seen you cheating on me, so I want to leave and you are a cheater, ye wala ek you know feeling hai, ladki itni affected ya depression mein nahi hai, she is also aggressively saying ki you know what, you're a loser, I've caught you, maine dekha hai tu kya kar raha hai, you are a dhokebaz, so I want to get out of this relationship, that is the way this song is being presented। ओके, वैसे वीडियो की बात करें श्रद्धा, तो मतलब कौन कौन बंदे को बांध कर इतनी बात सुनाता है, उसको कुर्सी पे बांध कर आपने सारी बात सुनाई है, मेरी बात सुनकर। ये मेरा डायरेक्टर का आइडिया था एंड आई वाज आल्सो लाइक अ लिटिल अप्रिहेंसिव व्हेन ही टोल्ड मी उसको बांधना है, सिर्फ बांधना क्यों है बेचारे को, यू नो, बट ही वाज वेरी श्योर कि यू नो ही वांट्स द वीडियो टू बी लाइक दैट, सो आई वांटेड टू गो विद हिज वे यू नो एंड हाउ ही वांट्स टू लुक एट इट। So yeah, I mean, he wanted to make it look a little aggressive. Honestly, I would, if I was the director, I wouldn't have done that because I would have just spoken it out while he's standing in front of me. I don't need to time up, honestly. But यहाँ पे उसको और dramatic बनाने और थोड़ा filmy बनाने, she's tied him up and she's like, you know, you have done this, you got to pay for this, and you know, वो वाला उनको vibe create करना था, तो I said okay, I'll do what my director says. वैसे गाने की बात करेंगे तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जिसने आपको चीट किया है उसको दोबारा चांस देना चाहिए? नहीं, तो पकड़ ले पैर, माँ मेरी पैर, अब मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा। नहीं, it's actually I don't think यार, you should go back to somebody who's hurt you, I don't think that should happen to any girl, I hope it doesn't. There are many fishes in the ocean, go get another one.
तो और कोई कोई और नहीं तो कोई और और कोई। कहीं चांस तो हमेशा लेते रहना चाहिए। अच्छा श्रद्धा, अब कुछ लाइंस हो जाए आपके गाने की। बेरंगे लग दे बेढंगे लग दे, मैनी गलत तेरी बयाना के मुंडे लफंगे लग दे, अतरंगे लग दे लैड पंगे लग दे, नहीं मैं सहना नहीं कोई बहाना ते नहीं चंगे लग दे, तू झूठा तेरा वादा भी झूठा, हाय किन्नी वारी दिल मेरा टूटा, बेवफाई तेरी आदत है क्या, तेरा दूजा नाम धोखा है धोखा, चल 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 धोखे बाज, चल 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 धोखे बाज, चल 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 धोखे बाज, धोखे बाज। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपकी म्यूजिकल जर्नी कैसे शुरू हुई? कब आपकी लाइफ में म्यूजिक आया? कब आपको लगा कि मुझे म्यूजिक करना है? सो आई स्टार्टेड वेरी यंग, 11 साल की उम्र से मैंने सीखना शुरू किया मेरे दादाजी से, पंडित प्रताप नारायण जी, ही इज नो मोर विद अस, पर आई बिलोंग टू द मेवाती घराना ऑफ म्यूजिशियंस। तो क्लासिकल ट्रेनिंग मेरी रही है, पंडित प्रताप नारायण जी जो मेरे सगे दादाजी हैं उनसे मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग ली, और बहुत जल्दी मुझे गाने बहुत यंग में मिलना शुरू हो गए थे, बट आई थिंक एज एन आर्टिस्ट मुझे टाइम लगा टू ग्रो, यू नो, एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स क्लासिकल से हट के, फिर मुझे आगे चल के मिलने लगे पॉप गाने, यू नो, वेस्टर्न बेस्ड गाने, फिर क्लब गाने, और ऑब्वियसली मेरा प्यार क्लासिकल म्यूजिक और गजल्स गाना या भजन गाना या यू नो एनी काइंड ऑफ सेमी क्लासिकल और फोक सॉन्ग, वो भी मेरा एक बहुत ही गहरा रिश्ता है उन गानों से, बट मुझे मिले ज्यादा क्लब गाने गाने के लिए। So yeah, that's been my journey so far. ओके, तो आपका अब एक गाना हो जाए जो आपका फेवरेट गाना है। क्या फिट स्टार बक मैं की करा लिमो मिले करा सानू ते जाना है वहां हो गारी जहां मैं जिगर दा टुकड़ा है मैं जिगर दा टुकड़ा यू आ मैं सोना सोना मुखड़ा मैं जिगर का टुकड़ा। देखो क्या बात है क्या बात है। तो आप उन सारे आर्टिस्ट को क्या मैसेज दोगे जो कि ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और ये सोचते हैं यार हमारे सिर के ऊपर किसी का हाथ नहीं है तो हम कैसे बनेंगे आगे? आई वुड जस्ट से थोड़ा सा पैसा जमा कीजिए टू जस्ट रिकॉर्ड व्हाट यू लाइक, बस जिनके पास वो प्रॉब्लम नहीं है ग्रेट, जिनके पास है फाइनेंशियल इश्यूज वो थोड़ा सा पैसा जमा करके अच्छा एक टीम बनाए, यू नो, गो टू अ गुड प्रोड्यूसर हु कैन प्रोड्यूस, इफ यू कैन प्रोड्यूस इट योरसेल्फ ग्रेट, एज इन प्रोग्राम योर ओन सॉन्ग इज ग्रेट, इफ यू कांट देन जस्ट कलेक्ट सम मनी, गो टू अ गुड इंजीनियर, गो टू अ गुड गाय हु प्रोड्यूसेस योर सॉन्ग, ट्राई टू राइट योर ओन सॉन्ग, कंपोज इट, सिंग इट ऑफ कोर्स, एंड देन पुट इट आउट, या जस्ट पुट इट आउट, यू नेवर गो रिकॉग्निशन मिलेगी, सो दिस इज योर टाइम, गो फॉर इट। ओके चलिए, अब आपको टाटा बाय बाय बोले की बारी हो रही है, लेकिन जाते जाते कोई एक सॉन्ग। घर हाँ हो रही हूँ बोर, तू लगा ले थोड़ा जोर, डिस्को में नचने का मन करे हार्ड कोर, मैं डैडी को सुला के अपनी मम्मी को पटा के आ जाऊंगी, तुझसे मिलने ड्रेस मिनी वाली पाके, जानू कुछ भी तू कर, मुझे नहीं रहना घर, बेबी मुझे मेरे घर से उठा ले, आज रात का सीन बना ले। बजाते रहो बाबा बजाते रहो 95.5 रेड एफएम बजाते रहो।